भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप इतने सारे है ना मार्केट में, उसी भीड़ में आज हमारे पास Asus VivoBook S15, करें फिर इसका दर्शन। कुछ ऐसा आता बॉक्स, रिसाइकलिंग पे पूरा ध्यान है, ये रहा लैपटॉप, बहुत सारी पुस्तकें और ढेर सारे स्टिकर्स, एक अपनी पावर कोड और एक अपना 90 वॉट का अडैप्टर, वही नॉर्मल वाली पिन का, टाइप सी कर दो यार इसे, क्या जाएगा तुम्हारा, ब्रांड से कह रहा हूँ मैं। देन आता है भाई अपना चिकना चिकना लैपटॉप और फीचर्स पूरे मेंशन है भाई, को हटाने की फील तो ले लें। हाँ अब हुआ है पूरा दर्शन। तो एक हाथ से लीड ओपन कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है भाई, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा, ये एक गड़बड़ है इसमें। तो कुछ ऐसा सा लैपटॉप है अपना, यहाँ पर पूरी वीवो बुक की ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, टॉप लीड मेटल की है, कई मेंशन नहीं है, मैंने खुद से पता किया है, बाकी थोड़ा सा लाइट क्वालिटी का मेटल लगा मेरे को, बट है मेटल। नीचे से प्लास्टिक है और वेंट्स वगैरह देख सकते हो काफी सारे खुले हैं और इसका कलर ऑरेंज दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ही चमकाने के लिए किया होगा। और नीचे दो डाउन फायरिंग स्पीकर भी मिलते हैं हमें, बाकी एक एग्जॉस्ट वेंट लेफ्ट साइड पे और बाकी यहाँ अंदर की साइड मिलते हैं हमें। और कीबोर्ड वाली जगह पर कुछ ऐसा सा डिजाइन है इसका, थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल था, तुम्हें मिनिमलिस्टिक डिजाइन मिलेगा जो सिंपल स्लीक एकदम होता है वैसा। अपर लिड में मुझे हल्का फुल्का फ्लेक्स डेफिनेटली फील हो रहा है इसके, और अंदर की साइड पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी तुम देख सकते हो, हल्का फुल्का यहाँ पर भी हमें फ्लेक्स मिलता है। बाकी हिंज की क्वालिटी मेरे को सही लगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से तुम ओपन कर सकते हो, बट मैं ये रेकमेंड करूंगा हर लैपटॉप में बीच से ही लिड को ओपन किया करो। वैसे मुझे ऐसा सच कोई वॉबलिंग इशू फील नहीं हुआ, बट हल्की फुल्की हिलती है इसकी डिस्प्ले। और वेट है इसका कुछ 1.6 केजी के आसपास, वैसे ओवरऑल बिल्ड में मेरे को कमी नहीं लगी, बट थोड़े बहुत इश्यूज डेफिनेटली हैं जो कि फिक्स हो सकते थे, मतलब Asus की तरफ से हमेशा अच्छी मिलती है चीजें, वैसे ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे तो नहीं फील हुई। बाकी इस लैपटॉप में आता है हमारे पास Intel Evo Certified i5-13500H 12 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, जिसमें 4 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं, और H सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब फुल गेमिंग वाला जो प्रोसेसर है वही डाल दिया ताकि हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो मिल सके। बाकी Evo काफी लोगों को नहीं पता होता, तो Evo के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं हमें, सर्टिफिकेशन है बेसिकली, जैसे कि 1 सेकंड से कम में ये वेकअप हो जाएगा और मिनिमम 9-10 आवर का बैटरी बैकअप हर लैपटॉप को देना होता है जिसमें Evo होता है। इसके अंदर मैंने जितना लिया मेरे को ज्यादा ही मिला है, बैटरी वाला सेक्शन बताऊंगा। बाकी थंडरबोल्ट पोर्ट का सपोर्ट होना चाहिए, टाइप सी के साथ फास्ट चार्जिंग और विंडोज हेलो को साइन इन भी सपोर्ट होना चाहिए, चाहे फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक हो, इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट आता है, तो ये सब इसमें है। ग्राफिक कार्ड है इसमें आईरिस एक्सी इंटीग्रेटेड वाले, और रैम है इसमें 16GB की LPDDR5 ऑन बोर्ड मेमोरी, क्योंकि LPDDR है और तो इसे अपग्रेड हम नहीं कर सकते, 16GB वैसे भी पूरी डली हुई है तो मैक्स इतनी होती है। स्टोरेज के लिए इसमें 512GB की Gen4 SSD और रीड एंड राइट स्पीड्स ये है इसकी, कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि स्टोरेज इसकी अपग्रेड कर सकते हैं नहीं, बाकी मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए क्योंकि 512GB की है, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा स्लॉट भी नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करके तो कर ही सकते हैं, पर क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है तो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 और थिन एंड लाइट है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें MS Office Home Studio मिलता है 2021 वाला। तो परफॉर्मेंस जानने के लिए मैंने कुछ बेंचमार्किंग टेस्ट किए थे, Cinebench R23, Geekbench 6, PC Mark 10 और 3D Mark Time Spy। अब यार इसमें कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है तो 3D Mark Time Spy में ज्यादा कोई स्कोर वोर तो नहीं आने थे, पर ठीक है, एक आइडिया लगाने के लिए मैंने कर दिया। अब अगर स्कोर समझ नहीं आ रहे तो प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट हो तो कोई भी काम आराम से कर लोगे, मतलब जो भी तुम दिमाग में आया तुम्हारे, ब्राउजिंग, कंटेंट कंजम्पशन, प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह, हाई लेवल तक सब चीजें हो जाएंगी। और ज्यादातर स्टूडेंट ना इस बजट के अंदर मैकबुक के साथ कंफ्यूज होते हैं कि मैकबुक लेना चाहिए या फिर ये, तो उसके ऊपर बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो के लिए। बाकी अगर प्रोडक्टिव काम करने हैं तो वो भी काफी अच्छे लेवल के हो जाएंगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग मैंने इसमें ट्राई की थी तो 4K 60 तक आराम से एडिटिंग करवा देगा, बट हाँ पावर को इनपुट करना पड़ता है इसमें अगर स्मूथ एडिटिंग करनी है, उसके बिना हो जाती है बट इतना ज्यादा स्मूथ नहीं आएगी, बाकी अच्छे लेवल की एडिटिंग आराम से कर लोगे। और अगर फोटो एडिटिंग करते हो तो वो भी किसी लेवल की कर सकते हो तुम, फोटोशॉप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी डिस्प्ले को की OLED है इसके अंदर तो भाई और भी बढ़िया वाला स्वाद आता है, एडिटिंग में मजा आ जाएगा क्योंकि कलर एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्राफिक्स ओरिएंटेड तो यार ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाओगे, हल्के फुल्के अगर तुम्हें क्वालिटी रिलेटेड काम करना है वो कर सकते हो, बट ज्यादा तगड़े काम करने तो डेडिकेटेड GPU चाहिए और वो गेमिंग लैपटॉप में आता है, तो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें काफी सारे रिव्यू करे हमने, इस बजट में बहुत सारे लैपटॉप मिल जाएंगे तुम्हें, पर फिर वही है कि जो थिन एंड लाइट के फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। बाकी अगर हल्की फुल्की गेमिंग प्रेफर करना चाहते हो तो मैंने कुछ गेम टेस्ट रन करे, तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या करना है। पहले वैलोरेंट टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पर, एनिसोट्रोपिक फिल्टरिंग 1x पे था, तो वैलोरेंट में भाई बढ़िया FPS आ रहे थे, मतलब 100+ थे, कभी कभी 120 से ऊपर भी जा रहे थे, और क्योंकि 120Hz की डिस्प्ले है तो और भी सही, मतलब मजा आ रहा था खेलने में, मजा आ रहा था ओवरऑल। 16GB रैम है तो उसका फायदा तो मिलना ही हमको, बाकी जो GPU के टेम्परेचर है वो CPU के जितने ही है, क्योंकि ये भाई इंटीग्रेटेड GPU है ना, तो CPU के साथ इंटीग्रेटेड है तो दोनों का सेम टेम्परेचर है।
बाकी 85 डिग्री तक मेंटेन था, 90 से ऊपर तो नहीं गया टेम्परेचर। देन सीएस को टेस्ट किया रेकमेंडेड हाई सेटिंग्स पर, और हाई सेटिंग्स पर यार ढंग से खेला नहीं जा रहा था, 20-30 FPS आ रहे थे जो कि मतलब सीएस को के हिसाब से ऑब्वियसली प्लेएबल नहीं है, क्योंकि स्मूथ नहीं चल रहा था गेम प्ले, काफी ज्यादा लैग आ रहा था। लो सेटिंग्स पर बढ़िया चल रहा था, 70-80 FPS तक टच हो रहे थे और स्मूथ चल रहा था गेम प्ले, जो कि ई स्पोर्ट्स में चाहिए भी होता है हमको खेलने के लिए। तो यूं है कि तुम अगर गेम वगैरह खेलना चाहो ऐसे कैजुअली सीएस को वगैरह, तो खेल सकते हो डेफिनेटली लो सेटिंग्स के ऊपर। देन GTA 5 टेस्ट किया नॉर्मल प्रीसेट पे, वो जो सबसे बेसिक वाली सेटिंग्स होती है उसके ऊपर, भाई हमें 30-40 FPS मिल रहे थे, 40 से तो ऊपर ही चल रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से एक IGPU के लिए बहुत ही सही है। तो तुम अच्छे से स्मूथ गेम प्ले कर सकते हो कैजुअली अगर गेम वेम खेलना है तुम्हें। और टेम्परेचर 87-88 डिग्री तक चल रहा था, जो कि ठीक है, मतलब एसी वेसी वाले रूम में तो इतना रहेगा टेम्परेचर, बाकी अगर बिना एसी के रूम में यूज करते हो तो कूलिंग पैड की जरूरत पड़ सकती है, पर इतना ज्यादा हीट नहीं होता कंपैरेटिवली। देन RDR 2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे, मुझे पता है नहीं करना चाहिए था पर मैंने IGPU के ऊपर कर दिया, तो 15-20 FPS आ रहे थे, डेफिनेटली प्लेएबल नहीं है, काफी ज्यादा लैगी सा लगता है। पर हाँ ठीक है, अगर तुम्हें और कोई लैपटॉप नहीं है और इसी पे तुम्हें RDR 2 खेलना है तो भाई लैगी गेम खेल सकते हो तो इस पे खेल सकते हो, चल रहा है, वो भी एक बड़ी बात लगी मेरे को सही बताऊं तो। एक और हैवी गेम टेस्ट कर दिया Far Cry 6, ये भी लो प्रीसेट पे टेस्ट किया मैंने और इसमें भी भाई 15-16 FPS आ रहे थे, तो ये भी प्लेएबल नहीं लगा मुझे। तो अगर AAA टाइटल खेलने है ना हैवी वाले, तो मैं कहूंगा कि भाई मत करना इसमें, उसके लिए गेमिंग लैपटॉप या ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप देखो, इसमें इतना ही चलता है, तुमने देखी लिया सारी चीजें, GTA 5 लेवल तक खेल सकते हो, उससे ऊपर मत जाना। तो परफॉर्मेंस देख के तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद तो आ ही रहा होगा ये लैपटॉप और लग रहा होगा खरीदना चाहिए। तो अगर तुम दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद से हो तो एक बढ़िया जगह बताता हूँ, तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन, और वहां पर गेमिंग नॉन गेमिंग प्रोफेशनल कैसा भी लैपटॉप ले सकते हो, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप अवेलेबल है वहाँ, और किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सारी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना, और भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब अगर पोर्ट की बात करें तो भाई लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक USB 2.0 टाइप ए वाला पोर्ट, और राइट साइड पे एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 1.4 का पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, एक USB टाइप सी थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ, और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। पोर्ट के मामले में ना, क्योंकि ये लेटेस्ट लैपटॉप है तो थोड़ा ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, जैसे HDMI 2.1 दे देते या फिर दोनों पोर्ट USB टाइप ए वाले 3 फास्ट स्पीड वाले दे देते, सब्जेक्टिव है चीज, तो अपने अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने Vivo Book 16X रिव्यू किया था, उसके अंदर पोर्ट्स के मामले में बढ़िया था वो, और उसमें तो डेडिकेटेड GPU भी था, तो इस वीडियो के बाद उसको भी चेक कर सकते हो। अब HDMI वाले पोर्ट पे कनेक्ट किया और ये भी आराम से 4K60 का सपोर्ट करता है और IGBC से डिस्प्ले शेयर हो जाएगी अपनी। तो अभी हमने टाइप सी वाले पोर्ट पे लगाया और डिस्प्ले शेयर करते हैं तो भाई IGBC शेयर होगी ऑब्वियसली, और 4K60 सपोर्टेड है क्योंकि अपना थंडरबोल्ट वाला पोर्ट है। बाकी अंदर से भी बिल्कुल प्लेन सिंपलिस्टिक डिजाइन है, लेफ्ट राइट पे स्टिकर्स हैं और सेंटर में मिलता अपना ट्रैक पैड, काफी बड़ा टच पैड है इसका और फुल टच है, तो आराम से क्लिकी फीडबैक आता है और ढंग से तुम कोई भी जेस्चर वेस्चर करने हो कर लो। मेरे को टच पैड की क्वालिटी अच्छी लगी, काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्ट सा फीडबैक आता है तो यूज करने मजा आएगा। एंड कीबोर्ड इसका भाई ब्लैक कलर में आता है जो कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनाता है, मतलब लुक बढ़िया लग रही है, और 3 लेवल की ब्राइटनेस आती है इसके साथ, व्हाइट बैकलाइट है इसमें। बाकी एस्केप की और एंटर की थोड़ी सी अपनी डिजाइन में दे रखे बढ़िया से, सिग्नेचर होता है ना जो, वो S15 वाला। बाकी फिंगर स्कैनर भी है इसके पावर बटन में, लगाते ही लैपटॉप में एंट्री दे देता है। बाकी कीबोर्ड मेरे को अच्छा लगा, मैंने टाइपिंग वाइपिंग करी थी, मेरे को तो भाई बढ़िया लगा, टेक्टाइल फीडबैक देता है और आराम से तुम अगर कोडिंग वोडिंग करते हो, टाइपिंग वाले कोई भी काम करते हो, बढ़िया आराम से कर सकते हो, नो डाउट कीबोर्ड अच्छा है जैसे आता है Vivo Book में। अब जो इसकी डिस्प्ले है वो बहुत स्पेशल है, तो इसके अंदर आती है 15.6 इंचेस की एक 2.8K रेजोल्यूशन वाली 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ OLED ग्लॉसी डिस्प्ले, और 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है इसमें, और 120 हर्ट्ज का रेट है, 600 nits की HDR पीक ब्राइटनेस और 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ, वीजा सर्टिफाइड HDR ट्रू ब्लैक पेंटोन वैलिडेटेड और TUV रेनलैंड सर्टिफाइड डिस्प्ले है, और इसमें बेजल्स भी बहुत कम आते हैं, और आंखों के लिए भी इसमें ब्लू लाइट रिडक्शन वगैरह दे रखा है, इसलिए इसको काफी ज्यादा सर्टिफिकेशंस दे रखे हैं, तो कुछ बताने की जरूरत है क्या भाई, क्या लोगे और इससे बढ़िया डिस्प्ले में। बाकी अगर अपने हिसाब से कैलिब्रेट करना चाहो तो MyASUS ऐप के अंदर डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है जिसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और भाई इसके अंदर तुम कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड या फिर कलर ग्रेडिंग, कंटेंट कंजम्पशन हो गया, नॉर्मल अपने जो टास्क करने डे टू डे लाइफ के, हर चीज में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि काफी वाइब्रेंट कलर आते हैं, एकदम पंची एकदम निखर के आएगी हर चीज, मजा आ जाएगा। हमारी वीडियो भी देखोगे ना तो भी तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा हाँ RGB तो असली इन्हीं के कमरे में लगी है, मजाक से हटके डिस्प्ले एक नंबर टॉप नॉच। बाकी वेबकैम इसके अंदर प्राइवेसी शटर के साथ आता है और इसमें हमें 1080p वाला वेबकैम मिलता है भाई, तो कुछ ऐसी इसकी वेब कैमरा क्वालिटी और भाई 1080p है इसलिए काफी क्लियर लग रहा है, डेफिनेटली मेरे को तो बढ़िया लगी। बाकी तुम्हारे सामने माइक भी इसी का यूज हो रहा है और एसी और पंखा चल रहा है, बाकी नॉइज कैंसिलेशन तो MyASUS ऐप में चेंज हो जाती है, अपने हिसाब से कर सकते हो सेट। बस यार लाइक सब्सक्राइब मारो और मजे लो। और स्पीकर इसके अंदर दो है डाउन फायरिंग 2-2 वाट के, साउंड बाय हरमान गार्डन, सुन के देखें।
स्पीकर्स बहुत लाउड है, मतलब एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में जनरली इतने बढ़िया स्पीकर आते नहीं है जितने इसमें दे रखे हैं। थिन लाइट क्या गेमिंग में भी नहीं आते हैं, पर डेफिनेटली स्पीकर्स की आवाज अच्छी लगी मेरे को। हल्की हल्की बेस भी आती है, बाकी वोकल्स और सारी चीजें तो एकदम क्लियर है। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो अपने हिसाब से स्पीकर की साउंड को भी थोड़ा बहुत ट्यून व्यून करना चाहो तो वो भी कर सकते, स्पीकर हेडफोन या कैसे भी करना चाहो। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इस लैपटॉप में आती है भाई एक 75 वॉट आवर्स की बैटरी, जिसके अंदर तुम्हें बैकअप अगर बात करें, मैंने जितना टेस्ट किया ना लो ब्राइटनेस पे हल्के फुल्के काम करके, तो मुझे इस लैपटॉप ने भाई 12 से 13 घंटे का बैकअप दे दिया, और तुम इससे ज्यादा बैकअप भी निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन यूसेज। अब क्योंकि इंटेल ईवो सर्टिफाइड है तो 9 से 10 घंटे का तो मिनिमम देना ही है इसको, बट इसमें हमें उससे भी ज्यादा ही मिलेगा नो डाउट, जितना मैंने टेस्ट किया उस हिसाब से बता रहा हूं। तो यार ऑल इन ऑल एक कंप्लीट पैकेज लगा मेरे को ये पूरा का पूरा लैपटॉप, जो कि ऑलमोस्ट हर चीज अच्छी दे देता है। अब अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोफेशनल लैपटॉप चाह रहे हो जो मतलब दिखने में भी काफी अच्छा लगे और हल्का फुल्का सा हो, बट जो चीजें मैकबुक देता है वो चीजें हमें विंडोज में चाहिए, तो वो सब चीजें ऑलमोस्ट इंटेल ईवो की वजह से ये लैपटॉप हमें दे देता है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस गेमिंग में थोड़ी दिक्कत है, गेमिंग नहीं हो पाएगी अच्छे लेवल की, बाकी नॉर्मल सीपीयू ओरिएंटेड कोई भी तगड़ा काम तुम इसमें कर पाओगे आराम से। 85,000 के आसपास भी प्राइस चल रहा है, बाकी करंट प्राइस देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से चेक करते रहना कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, क्योंकि भाई इस बजट में अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े गेमिंग लैपटॉप भी आ जाते हैं जो कि इससे तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और डिस्प्ले भाई माशाल्लाह, ओएलईडी वाले लैपटॉप थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तुम्हें पता ही है, ऐसा कोई यूसेज है तुम्हारा तो इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। और देख रहे हो कितना हल्का है, हाथ में आ जाता है आराम से, कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो बढ़िया चीज है। बाकी अगर मैकबुक एयर M1 के साथ डाउट है तो कमेंट करके बताओ, कंपेयर कर देंगे, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी मार दो, लाल बटन करके बेल आइकन दबाओ। तब तक के लिए बाय।